हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉयो दिस वीक। बट फ्रेंड्स, बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं दबंग 3 के अगेंस्ट हूं। गाइस, मैं दबंग 3 के अगेंस्ट नहीं हूं। आई मीन, दबंग एक ऐसी फिल्म थी जो अभिनव कश्यप ने बनाया था, सलमान खान के स्टारडम को यहां से यहां लेके चले गई थी। दबंग 2 वाज अ मैग्नानिमस सक्सेस। लेकिन गाइस, इस समय अगर सलमान खान को कुछ चाहिए टाइगर्स इन द रेस 3 के बाद, तो वो है भारत जैसी फिल्म, ना ही कि दबंग 3। आई एम श्योर अरबाज खान, साजिद वाजिद एंड प्रभु देवा विल मेक अ क्रैकर ऑफ अ मूवी। आई मीन, प्रभु देवा इज नोन टू मेक दिस मूवी। लेकिन गाइस, बहुत लोगों को लगा था कि मैंने जब कंफर्म की थी कि दबंग 3 की शूटिंग नहीं चालू होने वाली मई में, कल रात को भी मैंने आपको भारत के एपिसोड में बताया कि दबंग 3 की शूटिंग नहीं चालू होने वाली है मई में, कहां गए वो लोग। बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा, व्हाई आर यू अगेंस्ट दबंग 3? तो गाइस, मैं दबंग 3 के अगेंस्ट नहीं हूं, बस यही अगेंस्ट हूं कि ये साल फिल्म नहीं आए। अगले साल जब भी आए, ऑब्वियसली सलमान खान की फिल्म, वो भी दबंग फ्रेंचाइजी, पागल हो गया इस पिक्चर के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? कोई भी नहीं जा सकता। आई मीन, सलमान खान का जो फैन नहीं हो वो भी नहीं जा सकता। लेकिन गाइस, अभी वो कहते ना सत्य वचन, प्रभु देवा ने खुद कन्फेस किया है कि जो दबंग 3 बनेगी वो पहले जमाने की दबंग नहीं बनेगी। वो टाइम भी टाइम था गाइस, राउडी राठौड़, दबंग मसाला इंडियंस चला करती थी, कुछ भी नहीं हो फिल्म में फिर भी चलती थी। दबंग में ऑब्वियसली स्क्रिप्ट थी, वो अच्छी फिल्म थी, राउडी राठौड़ भी काफी अच्छी फिल्म थी। लेकिन गाइस, अभी टाइम बदल गया है और इसी के साथ प्रभु देवा को बदलना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। और उन्होंने कहा है कि दबंग 3 ना ही सलमान खान की फिल्म होगी, ना ही चुलबुल पांडे की फिल्म होगी, वो एक अलग तरीके की फिल्म होगी और उसका स्क्रिप्ट भी बहुत तगड़ा होगा। वेल, जब उन्हें पूछा गया कि क्या दबंग 3 इस साल रिलीज होगी या फिर जल्दी उसकी शूटिंग चालू होगी, उन्होंने ये सवाल का जवाब क्या दिया पता है आपको? उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि कब शूटिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा आपको कि दबंग 3 की शूटिंग मई में नहीं चालू होने वाली, ये मैंने बात आपको कम से कम आई थिंक जनवरी में बता दिया था। लेकिन बहुत लोगों ने हंसा था मुझ पर और कहा था अभी तो क्या बोल रहा है, दबंग 3 पहले स्टार्ट होगी, अरबाज भाई की फिल्म है। लेकिन गाइस, अभी सलमान खान वो सलमान खान नहीं रहे जो आज से 3-4 साल पहले थे, जो दिल की सुनते थे। आज सलमान खान दिमाग की सुनते हैं। और अगर आपने हिचकी का छोटा सा टीजर देखा होगा, जो सलमान खान कहते हैं कि उनकी जिंदगी की हिचकी ये थी कि वो जिंदगी में कोई काम सीरियसली नहीं लेते थे। आज से नहीं बल्कि पिछले 5-6 सालों से उन्होंने अपनी हिचकी को हटा दिया है और हर काम अपने वर्क को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमें भी आप पे यकीन है और जितने भी आपके फैंस हैं सलमान खान के, सबको उन पे यकीन है। और गाइस, इतना मैं यकीन से कह सकता हूं कि 2018 दिसंबर में दबंग 3 अब तो नहीं आने वाली बॉस। 2019 में जब भी आए, जितने भी फैन सलमान खान के खुले दिल से स्वागत करेंगे, साजिद वाजिद का म्यूजिक होगा, प्रभु देवा का धमाकेदार एक्शन होगा, धमाकेदार, और साथ में होंगे चुलबुल पांडे। तो फ्रेंड्स, एपिसोड पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी लोग हैं जो दबंग 3 को डाउट में लेके थे, गाइस अब मेरी तरफ से तो मैं कंफर्म कर देता हूं, प्रभु देवा ने भी बोल दिया है दिस इज नॉट कमिंग इन 2018। डील डन, ये साल रेस 3, अगले साल भारत। एपिसोड पसंद आया, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। और 10 कदम भी है, बिग बॉस भी है।